कारणवश आपने अपना अंश असुर कुल में भेजा है, उस कार्य यज्ञ में पूर्ण आहुति क्यों नहीं डाल देते? हे तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगे, तुम्हारा हृदय वास्तव में वात्सल्य भाव से छलछला रहा है। यही कारण है कि सत्य जानते हुए भी तुम्हारा हृदय असत्य रूपी उन घटनाओं को देख पसीज जाता है। दीदी, जिसका मुझे भय था, क्या होनी वही तो नहीं करने जा रही? क्या हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागृह में डालकर उसके अंत की ओर पहला पग नहीं उठा लिया? हिरण्यकश्यप की बुद्धि उसे उसी ओर अवश्य ले जा रही है उमा, परंतु हर कार्य की संपूर्णता का फल भगवान सदा अपने हाथ में रखते हैं। ये समझ लो कि हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भरना शुरू हो गया है। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। प्रणाम प्रभु। प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कैसी लीला है? पिता पुत्र की शत्रुता के दृश्य को क्यों बढ़ा रहे हैं आप? जो आपके मन में है उसे शीघ्रता से पूरा क्यों नहीं कर देते? हिरण्यकश्यप की चिंता और क्रोध बढ़ाकर आप उसे अधिक कष्ट क्यों दे रहे हैं? जिस कारणवश आपने अपना अंश असुर कुल में भेजा है, उस कार्य यज्ञ में पूर्ण आहुति क्यों नहीं डाल देते? हे तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगे, तुम्हारा हृदय वास्तव में वात्सल्य भाव से छलछला रहा है। यही कारण है कि सत्य जानते हुए भी तुम्हारा हृदय असत्य रूपी उन घटनाओं को देख पसीज जाता है। तुम ये क्यों भूल रही हो गंगा कि पाप का घड़ा जब तक ऊपर तक नहीं भरेगा तब तक फूटेगा नहीं। वो जितने अत्याचार प्रहलाद पर करेगा उतने ही पाप उसके नाम पर चढ़ते जाएंगे। उसे पाप करने दो देवी। तो क्या आप हिरण्यकश्यप से और ताड़नाएं दिलवाएंगे प्रहलाद को? नहीं प्रभु, मेरी ममता को इतना संताप क्यों देना चाहते हैं आप? संसार भर की ममता भरी माँ, धीरज धरो, धीरज धरो। ये यातनाएं और अत्याचार उस काल रूपी रज्जू की गांठें हैं जो हिरण्यकश्यप के गले में लगने वाली है। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति तो होगी, किंतु विधि का विधान भी तो पूरा होना आवश्यक है। हिरण्यकश्यप का क्रोध, कयाधु के हृदय की पीड़ा, सुमुखी और आह्लाद के मनों को मिलता हुआ सुख और प्रहलाद की यातनाएं, यही तो उस विनाश की श्रृंखलाएं हैं जिसका नाम है हिरण्यकश्यप।